हो गया, इसका भी हम लोग मैं न्यू पिस्टन फिटिंग करेंगे। इसका रोकर कैम का तो एक वीडियो बना दें, कैम सब असेंबली का जितना भी पार्ट्स है रोकर कैम सभी नया लग चुका है इसका। तो रिंग पिस्टन तो मैंने पहले फिटिंग कर दे रही पिस्टन में, तो फिर ये किधर हो गया, दूसरा इसका ऑपोजिट हो गया। फिर इधर देखा एक वाइल रिंग इधर हो गया, दूसरा इधर हो गया। तब क्या है हम लोग एक लॉक हम लोग पहले लगा दिए थे, तो फिर लॉक को फंसा देते अभी इधर से। इसका पिस्टन का जो लॉक है एक बैठ चुका, अभी भी एक बार देखा देते कंप्रेसर रिंग टॉप वन आयरन का था कार्बोरेटर, और टॉप टू जो हो गया साइलेंसर का तरफ दे दे, और ऐसे ही एक्चुअली हम रिंग पिस्टन डाल दें। तो फिर इसमें हम लोग अभी ऑयल दे देते हैं नया ऑयल, ताकि रिंग जहाँ पे फंसा है वहीं पे फंसे रहे। तो फिर बोलो गैस के दूर बोलो फंसा दे पाए, क्या करेंगे सिलेंडर में थोड़ा सा इंजन ऑयल लगा दी, सही से बैठ जाए इसको। तो फिर आयन ऊपर का तरफ आ गया कार्बोरेटर, आयन ऊपर का तरफ रहना चाहिए, ऊपर का तरफ है अभी। टाइमिंग चेन पेट को भी फंसाए थे, सुपर का तरफ होता है, सुपर के ऊपर का तरफ फोड़ेगा हेड गैस्केट में रेसिम ऑन लगा देते इसमें। तो फिर हेड गैस्केट फंसा देते इसमें, फंसा देंगे फिर यहाँ पर बहुत लगता है इसमें लगा हुआ है, थोड़ा इसमें भी रेसिम ऑन दे देते, एक दिक्कत हो जाता पिकअप कम ले जा। तो फिर हेड को फंसा देते हैं, साइलेंसर नीचे का तरफ रहेगा, ये कार्बोरेटर ऊपर का तरफ रहेगा, गैस्केट को फंसा देते हैं पहले। तो फिर टाइमिंग को लेते हैं चलाओ, तो फिर देखो हेड अभी फंस जाएगा, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्या इसमें बूस्ट नहीं फंसा, बर्ड्स हो गए। तो फिर दो बूस होता है जैसा टाइमिंग चेन इधर है, इसमें टाइमिंग चेन का इसको भी फंसेगा कि ऊपर का तरफ जाएगा, ऊपर का तरफ दो बूस होता है, दोनों ऊपर का तरफ आएगा। तो फिर बर्ड्स हो गए, तो फिर ये अब हम फंसाएंगे चार नाप तो फर्स्ट हो गया, अभी दस नंबर की जो स्टेल होता है उसमें लगता है ये डर बुलट का अंदर चैम्बर में फंसता है, टच कर देते हैं हल्का। इसे भी सब टच कर
সাইজ হবে যে তো ফেরেন ফাইনাল ব্যাক কার দিতে চাইলো পিস্টন কো चार स्टेट बारह नंबर की फुल टाइट हो गया और दस नंबर बोल भी फुल टाइट हो गया तो फसाएंगे तो फिर पैन चेन से इसको मैं चाहिए फसा देते हैं इधर थोड़ा इधर भी एक नंबर ऊपर गया दो नंबर इधर है मतलब एक निशान दिया हुआ है इधर भी इधर भी बराबर हो गया अरे टाइमिंग हम लोग जैसे जैसे यहाँ पे बीच में रखते हैं अगर थोड़ा इधर रहता तो इधर आ जाता है मेंडेट इधर रहता इधर जाता है इसका मतलब यहाँ पे बीच में यहाँ पे रखते तब आ जाता है लाइन में टाइमिंग में पक्का ये भी हम लोग का जैसे मिला लेते हैं दिक्कत नहीं होता है अब खाली क्या करेंगे आठ नंबर दोनों ये बोल्ट को भी लगा लेते हैं आठ नंबर तो फिर अभी टाइट कर लेते हैं इसको टाइट कैसे करेंगे देख रहे हैं मैग्नेट यहाँ पे जो पंखा है मैग्नेट का ये पकड़ेंगे और टाइट करेंगे तो फिर कंप्लीट हो गया अब थोड़ा टाई फिट को देख लेते हैं ये हिलता है ये ठीक है नीचे वाला ऊपर वाला ऊपर वाला टाइट हो जाए इसको लूज कर लिया अरे नहीं हिलता है इसको हल्का सा लूज कर लेते हैं करना चाहिए जैसा इस सुपर ग्लैमर है उससे थोड़ा अप एंड डाउन करना चाहिए लूज थोड़ा ज़्यादा रखना होता है स्कूटी में कहीं खुलने लगाने में दिक्कत होता है अब जो मिला दें अब दोबारा नहीं मिलाना पड़ेगा ऐसा रोका के हम भाल्व सब नया लग चुका है सही है अभी कहीं टाइट हो गया पहले एक बार सही था जब ये सब टाइट के टाइमिंग से उनका इसको अभी आठ नंबर बोल्ट जब टाइट किए तब आज हमें ठीक टाइट हो गया ये सही था इसका काम कंप्लीट हो गया फिर इसमें रेसिव हम से इसमें लगा देंगे तो फ्रेंड और एक चीज़ बता दीजिए इसमें चेक करने का ये जो हम फिटिंग करेंगे तो स्टार्ट होने के बाद मोबाइल चेक करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है स्कूटी में तो ऑयल पंप का भी काम हो गया किक मारो प्लग खोल दिया अभी किक मारो थोड़ा टाइम लगेगा मारो ना हाथ पैर से किसी से मारो मारते रहो तो फ्रेंड किक मारता है धीरे धीरे मारते रहो लगभग 30-35 किक मार दिया ऑयल उठना चाहिए हाँ ऑयल आ गया फ्रेंड देखिए इधर से मारो किक मारो मारो किक मारो मारो तो फ्रेंड देखिए ऑयल आता है अभी मारो मारो तो ऑयल आना चाहिए फ्रेंड तो ऐसा ही ऑयल आएगा तो आप ऑयल आ गया कंफर्म हो गया लुक को तो आप क्या करेंगे कवर को इस रबर आता है का कवर रेसी वन से हम लोग फाइनली टाइट कर देंगे अगर ये चेक नहीं करते हो सकता ऑयल नहीं उठा हिट में तो रोकार कैम फिर से नया जो रोकार कैम हम लोग लगाए फिर सीज हो जाता गाड़ी फिर सीज होने से ये तो घिस जाएगा घिसने का पिकअप फिर से नहीं होगा तो ये ऑयल आना चाहिए अभी ऑयल आना शुरू हो गया इसका मतलब इसका काम कम्प्लीट तो इसमें हम लोग अभी रेसी वन लगाएंगे रेसी वन लगा के फिट कर देंगे ऑयल चेक करने का तरीका यही हो गया
कभी कैंडल फेसबुक इसमें जितने मोबाइल आता है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर दो बोल्ट था जिस समय की कंप्लीट हो चुका है, प्लग भी लगा देंगे इसमें, प्लग भी फंसा है। तो इसका जो फाइबर का जो पावर हुआ था ये फिट कर देंगे, फिट करने का बाद कार्बोरेटर भी यहाँ पे फिट हो जाएगा, साइलेंसर भी फिट कर देंगे। तो फिर अभी सब फाइबर में फंसा देते हैं, बाकी इनका नहीं बोल देंगे। तो दो आता है देखिए, फिर एक ही आता है, फिर भी आता है, ये जो आधा कटा हुआ ये नीचे का तरह होगा, कट होता है, एक रबर आता है ये ऊपर में लगे टेंशनर का तरह, पहले ऊपर वाला ये फट चुका है, कोई दिक्कत होता है खाली टाइमिंग होता है थोड़ा सा, ये घाप मिला है अपने आप बढ़ जाता है, अभी दस नंबर का नाट होता है ये इस तरफ लग गया, दस नंबर एक बोल्ट का होता है, थोड़ा इधर भी देखो यहाँ पे घाट होता है, घाट में ऐसे फंसेगा, ये घाट में फंसने का ऑटोमेटिकली फंस गया, बहुत सीखा होता है ये घाट, इसमें पकड़ इधर हमारे सारी घटना फंस चुका है। देखिए फिर बिल्कुल बैठ गया, तो दस नंबर के बोल्ट इधर लगे, चार जो स्क्रू होता है चार घंटा वाला, एक इधर ये सब लग गया, तो ये भी बैठ गया। फिर तो अब क्या करेंगे हम लोग, प्लग जो खुलने वाला सॉकेट है सॉकेट से प्लग भी टाइट कर लेंगे, खुलेंगे इधर से हो जाएगा। तो फिर ये बैठ गया, अब स्क्रू सब हम लोग फंसा देते हैं। तो फिर स्क्रू फंसेगा चार, देखेंगे एक इधर फंसेगा, एक फंस चुका है वाला फंसेगा, इधर फिर भी फंस चुका है, फंस जाएगा, टेंशन नहीं हुआ सर, तो फिर भी फंस गया एक इधर। तो फिर क्या करेंगे आप, इससे कर देने से हो जाएगा, टच कर लेते हैं अभी इसको, टाइट हो चुका है ये दूसरा, तो फिर इसको भी टच कर लेते हैं। तो फिर टाइट हो चुका है, अभी दूसरा कर लेते हैं, काम कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, कार्बोरेटर फंसा देते हैं, सिर्फ क्या करेंगे इसमें दस नंबर दो बोल्ट होता है, दो बोल्ट फंसा देंगे तो इसे बैठ जाएगा, अब कार्बोरेटर को फंसा देते हैं, दस नंबर के दो बोल्ट होता है इसमें, अपलोड करते रहेंगे आप लोग का बात चुनो नहीं नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।